बसंत ऋतु में मनाए जाने वाले प्राकृतिक पर्व सरहुल झारखंड के पारंपरिक त्योहारों में शामिल हैं। बताते चलें कि बसंत ऋतु में जब पेड़ अपनी पुरानी पत्तियों को गिराकर टहनियों पर नई नई पत्तियां लाने लगती हैं, तब सरहुल का महान पर्व मनाया जाता है। आदिवासी समुदाय में प्रकृति पूजन का एक विशेष महत्व है, लेकिन वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो आदिवासी समुदाय के अलावा महतो समाज, जो खुद ST समुदाय में शामिल होने की कयास पे है, को तेज कर आंदोलनरत हैं, मनाने लगे हैं। इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी अपनी अहम भूमिका निभाने का कार्य किया है। धनबाद के बलियापुर प्रखंड स्थित SGM पब्लिक स्कूल में सरहुल महोत्सव मनाया गया, जहां बलियापुर प्रखंड की उपप्रमुख आशा देवी एवं शिक्षक प्रिंसिपल के साथ साथ छात्राएं भी अपनी अहम भूमिका पारंपरिक नृत्य को निभाते हुए साथ साथ स्थानीय पुरोहित को लेकर पूजा पाठ कर सौल वृक्ष को प्रकृति के अनुपम है समाज स्थापित कर विधिवत पूजा अर्चना कर विधिवत शुभारम्भ किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि बलियापुर प्रखंड के उपप्रमुख आशा देवी ने शिरकत की। इस दौरान स्कूली छात्राओं ने एवं उपप्रमुख के साथ साथ प्रिंसिपल ने भी झारखंडी पारंपरिक वेशभूषा के साथ नृत्य करते हुए सरहुल महत्व को मनाया। पहले तो आप सभी को और आपके चैनल के दर्शकों को मेरा जोहार। आज पूरे झारखंड में सरहुल पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है और पूरे झारखंड वासियों को मेरी तरफ से सरहुल पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सरहुल विशेषकर आदिवासियों का एक प्रमुख त्यौहार है। आदिवासियों का 12 माह से 13 पर्व है, जिसमें सरहुल प्रमुख है। इसमें साल के वृक्ष का पत्तों का विशेष महत्व होता है। इसमें प्रकृति को लेकर पूजा की जाती है, सरना देवी की पूजा की जाती है और हम लोग सरहुल पर्व मनाते हैं। इसमें जैसे होता है ना कि एक पुराने वृक्ष में जो पतझड़ का मौसम आता है तो सारे पुराने पत्ते गिर जाते हैं, नए पत्ते का आगमन होता है, नए फल फूल का आगमन होता है। उसी को लेकर हम लोग एक मतलब प्रकृति को धन्यवाद देते हैं, उसी के धन्यवाद के रूप में हम लोग मतलब सरहुल पर्व मनाते हैं। देखा गया कि यहाँ जो देखा गया कि एक महुआ का डाली भी गाड़ा गया है और नृत्य का कार्यक्रम आप लोगों की ओर से किया गया, साल का है, क्या कुछ उसके पीछे परंपरा रही है? देखिए, साल के पत्तों का इसमें विशेष महत्व होता है। मतलब बोला जाए तो इसमें साल आम भी आते हैं, मतलब उस वृक्ष में नए मतलब फूल फल अंकुरित होने लगते हैं। कहा जाता है कि एक माँ के गोद में जब नया बच्चा का आगमन होता है तो हम लोग उत्सव मनाते हैं, उसी तरह भी एक पतझड़ के मौसम में जब सारे मतलब पत्ते गिर जाते हैं तो बसंत ऋतु के साथ ही नए मतलब फल फूल का आगमन होता है, तो हम लोग खुशी मनाने के लिए सरहुल मनाते हैं और इस तरह हम लोग प्रकृति को, अपने पूर्वज को, धरती को धन्यवाद देते हैं और सरहुल को उसी रूप में हम लोग समर्पित करते हैं। आज हम लोग यहाँ सरहुल का पर्व मना रहे हैं और हम लोग यहाँ गेस्ट के थ्रू में आई हुई हैं उपप्रमुख मैम, और हम लोग अपने स्कूल में इसको मना रहे हैं। किस पैमाने पर मना रहे हैं, कौन कौन सम्मिलित हो रहे हैं इसमें और क्या संदेश देना चाहेंगे इसमें? सरहुल का पर्व देखिए, पहले तो सरहुल सब जगह बहुत दिनों से, हम लोग जब से झारखंड मिला है तब से सरहुल पर्व सिर्फ कुछ ही लोग, जैसे कि एक प्रॉपर कास्ट का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन उन लोग ज़्यादा मना रहे थे उसको। अब हम लोग जैसे अब आदिवासी में गिनती हो रहे हैं तो अब इसके प्रति सब जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे, तो वही बस हम लोग सरहुल पर्व अब मैं जनरेशन को बताने के लिए कि चलो सरहुल पर्व हम लोगों का है, हम लोग इसको मनाते हैं। मेरे बाप दादा लोग भी बनाए थे जो कि छूट गया, इसी के माध्यम से हम लोग बताना चाह रहे हैं।